हेलो एवरीबॉडी, यदि आपने अभी किया है ट्वेल्थ पास या आप हैं ट्वेल्थ पास बच्चों के माता पिता तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और बहुत अच्छी खबर आपको मैं देने वाला हूं, तो ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। दोस्तों यहां दबाकर सब्सक्राइब करो आपके चैनल नॉलेज टीवी देसी ताऊ को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाए आपकी फेवरेट वीडियो सबसे पहले नॉलेज टीवी देसी ताऊ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम हर रोज यहां पर इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं एक अच्छी न्यूज, एक गुड न्यूज। यदि आप ट्वेल्थ पास हैं या फिर उनके माता पिता हैं तो आप जरूर चाहते हो कि आपके बच्चे का एडमिशन हब गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में हो जाए। तो दोस्तों या फ्रेंड्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सब कोर्स दोबारा, बीए, बीकॉम, बीएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, इन कोर्सों में एडमिशन लेना है तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। इनमें एडमिशन लेने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट कॉमर्स कोई भी हो सकता है। एज 18 प्लस में एज होनी जरूरी है स्टूडेंट। अप्लाई कैसे कर सकते हो आप एडमिशन लेने के लिए? तो आप सिर्फ ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ ऑनलाइन तरीके। साइट मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। फीस कितनी लगेगी? जनरल और बीसी कैंडिडेट के लिए 150 रुपए फीस है, ठीक है। और किसी भी कैटेगरी की गर्ल है या एससी का कोई मेल है या फीमेल है उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। आपको फॉर्म भरते समय कंपलसरी आइटम क्या चाहिए? एक तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, दूसरा आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक अकाउंट, वो भी जो भी है। अप्लाई करते समय आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले आपको फोटो चाहिए, उसके बाद सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट नंबर की फोटोकॉपी और आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हो ये डॉक्यूमेंट लेके। एक बात यहाँ पे आपको नोट कर लीजिए, फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी कहीं भी किसी भी कॉलेज में जमा नहीं करवानी है। अभी जब हम फॉर्म भरते हैं वहां पर कॉलेज की च्वाइस पूछी जाती है, तो वहां आप ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो आप अपने एडमिशन के लिए। आप मोबाइल नंबर डालोगे उसमें, आपका हर स्टेप कंप्लीट होते ही आपके पास मैसेज द्वारा सूचना भेजी जाएगी, इसलिए मोबाइल नंबर जरूरी होना है। तो साइट नोट कर लीजिए जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी higher.edu.hry.com। इस साइट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने की डेट क्या है? 6 महीने की 8 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे और 30 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 30/6/2017 तक ये फॉर्म भर सकते हो। तो हर बंदा चाहता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बस मेरे को लगा कि ये चीज आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है, अच्छी नहीं लगी है डिसलाइक जरूर करना है, और यदि अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। यदि आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।